गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस और BBVN. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द सम ऑब्जेक्ट्स विच आर इन रेस्ट और मोशन. कल क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेस्ट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बिना टाइम के अपनी प्लेस को क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेंगे. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं रेस्ट पोजीशन में, और विद द टाइम वो अपनी अगर पोजीशन चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं मोशन में. फिर अपन ने बहुत सारे मेजरमेंट के यूनिट्स पढ़े थे जो एंशियंट टाइम में यूज़ करे जाते थे. फिर अपन ने ऐसा यूनिट्स पढ़ी थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट करे जाते हैं, वो पढ़े थे अपन ने. फिर नेक्स्ट जो है बेटा, इसमें है अपना मेज़रमेंट, है ना. बहुत सारी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है ना, वेट है, उनके मेज़रमेंट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं उनके बारे में. देखिए मेज़रमेंट, द कंपेरिजन ऑफ ए नॉन क्वान्टिटी विद सम नॉन क्वान्टिटी, ठीक है. द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वान्टिटी with some known quantity of the same kind, measurement of an object. अब देखिए क्या होता है, अपन measurement करेंगे तो एक quantity जो होती है वो अपन को क्या होती है, known होती है. अपन को पता होता है कि ये quantity इतनी meter है, इतनी kilogram है ना, इतनी centimeter है, इतनी liter है, milliliter है, इतने kilometer है, अपन को पता होता है. जैसे कि अपन को travel करना है, जयपुर जाना है ना, तो जयपुर जाना है, अपन को पता है कि जयपुर यहाँ से 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है. तो एक क्वांटिटी अपन को नोन हो गई. दूसरा, अगर जयपुर के अलावा कहीं और जाते हैं, है ना, तो नॉन क्वांटिटी और जो अननोन क्वांटिटी होती है उनके बीच क्या होता है, मेज़रमेंट. अपन जहाँ जा ही नहीं सकते, अपन को पता ही नहीं है. जैसे कि मान लो कि अपन को बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे का अपन को मेज़रमेंट पता नहीं है, तो अपन वहाँ जाएंगे, वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है. एक क्वांटिटी क्या है अपने पास, जैसे जयपुर है, अपन जाके आए हैं, अपन को पता है कि 150 किलोमीटर्स वो जयपुर है, उसकी डिस्टेंस है, ठीक है. तो कुछ मेज़रमेंट्स के अंदर दो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी क्या होती है, नॉन क्वांटिटी होती है, दूसरी जो है वो अननोन है. तो उस नॉन से, उस अननोन से अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट या सेम करके अपन को पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो इतनी मेज़र करी है, ठीक है. जैसे कि अपन मान लो कि वेंडर्स के पास, जो कोई भी वेंडर है अपने मार्केट में, वहाँ जाते हैं, है ना, स्टेशनरी पे या और कहीं राशन वाले पे, तो एक मेज़रमेंट वो अपने पास रखता है ना, वाट रखते हैं ना, वाट जो वेट होता है, जैसे मतलब 1 kg लिखा होता है, 2 kg, 5 kg, 10 kg ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो वो नॉन क्वांटिटी है. और जो अपन को वो मेज़र करके देता है, जैसे कि मान लो अपन को 1 kg शुगर लेनी है ना, तो वो 1 kg का वेट होता है ना, वो दूसरी तरफ रखता है उस पर, है ना. और दूसरा जो होता है, मान लो कि शुगर है तो वो शुगर डाल रहा है, तो जब तक वो इक्वल नहीं हो जाएगा उसके, तब तक वो शुगर डालता रहेगा. इक्वल हो गया मतलब कि वो मेज़रमेंट है उस नॉन क्वांटिटी की, क्या हो गया है, इक्वल हो गया है. मींस कि जो शुगर अपन ने ली है वो 1 kg हो गई है, क्योंकि जो शुगर वो डाल रहा है वो अननोन क्वांटिटी है, लेकिन जो नॉन क्वांटिटी के इक्वल कर लेगा तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नॉन क्वांटिटी हो जाएगी. ऐसे ही मेज़रमेंट्स करे जाते हैं, ठीक है. तो देखिए, अब मेज़रमेंट में क्या कंसिस्ट होते हैं, मेज़रमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, मेज़रमेंट में क्या क्या आते हैं, द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. एक तो आएगी यूनिट, कि आप क्या मेज़र कर रहे हैं उसकी क्या यूनिट है, वो जो है इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स द ऑब्जेक्ट मेज़र, और कितने यूनिट्स आपने मेज़र कर रखे हैं या आपने कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. फिर देखिए कुछ मेथड्स जो एंशियंट टाइम पे थे, कन्वेंशनल मेथड, है ना, कन्वेंशनल मेथड जो पुराने समय में चलते थे, है ना, प्रिमिटिव टाइम में. मॉडर्न टाइम में ऐसे जो मेथड्स हैं वो नहीं चलते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. मैंने कहा था आपसे कल कि किसी की जो है हाइट, किसी का फुट है, किसी का हैंड है, उसकी लेंथ, है ना, वो सब वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो मेज़रमेंट भी उनके अलग अलग आते हैं. तो कन्वेंशनल मेथड्स क्या है मेज़रमेंट के, वो देखिए ज़रा. कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेज़रमेंट, द कन्वेंशनल मेज़रमेंट्स है ओनली बीन अप्रॉक्सीमेट मेज़र,
जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं वो अप्रोक्स माप फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लैक प्रिसीजन। देखिए जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसके लिए उनकी जो मेज़रमेंट भी आती है वो भी क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं हैंड स्पैन। हैंड स्पैन होता है द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटल फिंगर। हैंड स्पैन बोलेंगे ना अपन, जैसे पुराने ज़माने में ये जो थंब है और जो अपना लिटिल फिंगर है उसकी जो मेज़रमेंट है ये क्या आती है, एक पूरा हैंड स्पैन बोलते हैं इसको। तो ये कन्वेंशनल मेथड है। अब ज़रूरी नहीं है जो छोटा बच्चा है उसका हैंड स्पैन जो लेंथ है वो कम होगी, जो बड़ा होगा एडल्ट उसके ज़्यादा रहेगी। तो मेज़रमेंट जो है वो वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। तो हैंड स्पैन क्या होता है, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द फिंगर। फिंगर और जो अपना थंब है, लिटिल फिंगर और थंब, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एक लाइफ स्पैन, सॉरी एक हैंड स्पैन होता है। ठीक है, थंब से और जो लिटिल फिंगर है उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, एक हैंड स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबिट। लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड एल्बो। क्यूबिट लिटिल फिंगर है ना, और यहाँ से कहाँ, एल्बो तक, अपनी जो एल्बो है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है या मेजर जो होता है वो एक क्यूबिट होता है। ठीक है, फिर है आर्म लेंथ। लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू द टिप ऑफ मिडल फिंगर। लेंथ ऑफ आर्म है ना, ये पूरा, ये जो मिडल फिंगर होती है, मिडल फिंगर यहाँ से लेकर पूरा शोल्डर तक वो अगर मेजरमेंट होता है तो उसको कहते हैं आर्म लेंथ। ठीक है, थंब से लेकर अगर ये जो अपनी मिडल शॉर्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको कहते हैं हैंड स्पैन। ठीक है, फिर जो क्यूबिट होता है वो मिडल फिंगर से लेकर एल्बो तक होता है, मिडल फिंगर टू एल्बो, और आर्म लेंथ होता है पूरा जो अपना मिडल फिंगर है अपना वहाँ से लेकर के पूरा शोल्डर तक। ठीक है, फिर है फुट स्टेप। फुट स्टेप क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए स्टेप। एक स्टेप में अपन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो हो जाएगा फुट स्टेप। तो ये बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं जो किस काम में आती हैं, कन्वेंशनल मेथड्स हैं, अभी की नहीं है, कन्वेंशनल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होने की वजह से इनका मेजरमेंट भी क्या आता है, डिफरेंट आता है। ठीक है, तो नीड्स नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, इनके अलावा या इनके अलग से है ना, अपन क्या करेंगे, ऐसे यूनिट्स लाते हैं जो यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है, जो वेरी नहीं करते हैं, एक जगह ही उनको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, यूनिट्स सच एज हैंड स्पैन, फुट, फुट स्टेप, क्यूबिट एटसेट्रा वेरी। तो ये सारी लेंथ जो कन्वेंशनल मेथड है मेजरमेंट्स के वो क्या है, वेरी करते हैं। दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल्स हैंड। अगर मान लीजिए किसी का भी इंडिविजुअल का हैंड है अगर छोटा है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, किसी का हाथ बड़ा है, लेंथ है उसकी हाथ की लंबी है तो वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड सच यूनिट्स कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट्स। तो ऐसी कंडीशंस क्या करती हैं, जो मेजरमेंट होता है उसके लिए कन्फ्यूजन है या कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चाहिए कि एक ऐसा मेजरमेंट हो जो सब जगह एक्सेप्ट करा जाए। तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इट इज़ अ यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली। देखो पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली मेजर होती है और क्या होती है, यूनिफॉर्म, मतलब पूरा का पूरा जो है डिस्टेंस या मेजर वो पूरा अपन को मेजर करा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। लेंथ को मापेंगे मीटर में, अपन मेजर करेंगे। मास जो है उसको किलोग्राम में, केजी में अपन मेजर करते हैं, और जो टाइम है उसको सेकंड में मेजर करते हैं। ये क्या है, ऐसा यूनिट्स है जो सब जगह एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेंथ को मीटर में अपन मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम है उसको सेकंड में, और जो मास है, वेट, उसको किस में करेंगे मेजर, किलोग्राम में। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स इज बेटर एज एसआई यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं जो सब जगह माने जाते हैं, एक्सेप्ट करे जाते हैं, उनको कहते हैं एसआई यूनिट्स।
तो कन्वेंशनल मेथड से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये ऑल ओवर द एक्सेप्टेड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कॉन्वेंशनल मेथड्स क्या होते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसके लिए वो कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको अपन मेजरमेंट में नहीं लाते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट जो हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबल उसको एक्सेप्ट करे जाते हैं, तो ऐसा यूनिट्स अपन उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन कौन से सिंबल्स हैं जो ऐसा यूनिट्स में काम में आते हैं, सिंबल्स, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ मोशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।